वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर चेतन शर्मा। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें हम बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूं, ये है इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस। इंटरव्यूज में आप लोगों से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मोस्टली बिलिंग इंजीनियर से, कि बिलिंग इंजीनियर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके इंटरव्यू सेशंस में, तो इसी के रिगार्डिंग मैं आप वीडियो लेकर आया हूं आप लोग। तो आइए दोस्तों देखते हैं बिलिंग इंजीनियर के इंटरव्यू में आप लोगों से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ डिडक्शन इन मेजरमेंट ऑफ फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क में क्या क्राइटेरिया है जिसमें हम डिडक्शन कर सकते हैं मेजरमेंट करने के टाइम। तो दोस्तों यहां पर आप अप टू 0.4 स्क्वायर मीटर एरिया यदि आपका है, तो आप किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं कर सकते। देखिए फॉर्म वर्क के केस में जब भी हम मेजरमेंट करते हैं फॉर्म वर्क का, तो केवल 0.4 स्क्वायर मीटर से जो ज्यादा के एरिया होते हैं, केवल ऐसे ही पार्ट का हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट इज द सीमेंट कंजम्पशन फॉर नी सीमेंट पनिंग वर्क। देखिए दोस्तों, पनिंग वर्क मतलब जिसको हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में गोला मारना, कि जब हम प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर करने से पहले गोला मारते हैं, तो गोला मारने में सीमेंट का कितना कंजम्पशन हो रहा है, वहां पर जो सीमेंट का कंजम्पशन होता है बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। और मोस्टली इंजीनियर सीमेंट पनिंग के बारे में जानते नहीं है, एक्चुअल में जानते नहीं, मतलब इस वर्ड से अवेयर नहीं है। मैक्सिमम इंजीनियर इस बात को जानते हैं गोला मारना, इसका प्रॉपर जो टेक्निकल नेम है वो है सीमेंट पनिंग। तो सीमेंट पनिंग करने में पर स्क्वायर मीटर 4.4 केजी क्या लगता है, हमारा सीमेंट का कंजम्पशन होता है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए बिलिंग इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम बात करते हैं, व्हाट इज द एलोएबल वेस्टेज लिमिट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन मतलब दोस्तों ऑडिट, जब हम ऑडिट करते हैं तो कितना वेस्टेज की लिमिट रेनफोर्समेंट की प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर सीपीडब्ल्यूडी नॉर्म्स, जो हमारे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नॉर्म्स निकालता है, यहां पर जो अलाउएबल वेस्टेज की लिमिट है वो है 2%। केवल 2% ही हम अलाउ कर सकते हैं स्टील, मतलब जो रेनफोर्समेंट स्टील बार होती है हमारी, उसका केवल हम 2% ही क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं अपनी साइट पर जब रिकंसिलेशन करेंगे। रिकंसिलेशन दोस्तों सबसे लास्ट में होता है, जब भी प्रोजेक्ट ओवर होता है तो हम क्या करते हैं, रिकंसिलेशन का पार्ट स्टार्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन आया, व्हाट इज द मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट वर्क। हम एक्सकवेशन करते हैं तो उस दौरान हमें एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। देखिए दोस्तों एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, इसका बिल में हम क्लेम करते हैं स्क्वायर मीटर में, हम क्लेम करते हैं जितने स्क्वायर मीटर में मैंने वो केमिकल डाला एंटी टर्माइट केमिकल, उतने एरिया का मुझे क्या मिलेगा, बिल में मैं क्लेम कर सकता हूं। तो दोस्तों जब भी आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए स्क्वायर मीटर में हम बिल में क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आया आपका, व्हाट इज द अलाउएबल वेस्टेज लिमिट ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। कि साइट पर आपके कोर्स एग्रीगेट आए, फाइन एग्रीगेट आए, इनके कितना वेस्टेज आप अलाउ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर आता है ना, ये एवरेज डाटा है। देखिए कुछ साइट्स पर हो सकता है 2% हो सकता है, कुछ साइट पर 10% हो सकता है, कुछ साइट पर 5%। जो ऑन एन एवरेज डाटा है वो है 5% ही हम क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये वेस्टेज लिमिट इसलिए अलाउ करने की मैं बात बोल रहा हूं आप लोगों से, कि जब भी आप एक अच्छे लेवल पे, मतलब एज अ बिलिंग इंजीनियर वर्क कर रहे हैं साइट पर, या हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो इस लेवल पर जब पहुंचते हैं तो अपने साइट पर एक एग्जीक्यूशन, एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन, प्रॉपर डिसिप्लिन में जब हम बात करते हैं, तो प्रॉपर डिसिप्लिन इन्हीं चीजों से बनता है, जो हम अपने साइट इंजीनियर वगैरह को जो, या स्टोर कीपर जो होते हैं, मेटेरियल रखने को किसी इंचार्ज को बैठाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि मेटेरियल कम से कम वेस्ट हो। इसलिए हम वहां पे अलाउ कर देते हैं कि 5% हम अलाउ देखेंगे, आगे बाद में आपके फाइन ठोकेंगे। तो इसलिए ये सब चीजें जो है 5% हम अलाउ कर सकते हैं। जैसा कि प्रीवियसली मैंने बताया रेनफोर्समेंट, तो रेनफोर्समेंट दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट को यदि मैं अच्छे से करता हूं रेनफोर्समेंट की, मतलब जिसमें बार बेंडिंग शेड्यूल को डिजाइन करूं, तो दोस्तों 3-5% का हमारा प्रॉफिट करके देता है हमारा क्या, रेनफोर्समेंट का पार्ट। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2% लगभग वेस्टेज में अलाउ कर सकता हूं, इससे ज्यादा अलाउ नहीं होता है। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हम पूछा जाता है, हाउ मच एरिया डिडक्शन शैल बी नॉट मेड इन द फ्लोरिंग मेजरमेंट। कितना डिडक्शन हम फ्लोरिंग में मेजरमेंट के टाइम पर नहीं बनाते हैं। देखिए जब हम फ्लोरिंग की बात करते हैं, तो फ्लोरिंग का हम मोड ऑफ मेजरमेंट करते हैं स्क्वायर मीटर में। तो यदि आपका डिडक्शन वाला पार्ट, जितना भी ओपनिंग होता है, ओपनिंग मतलब डिडक्शन वाला पार्ट 0.2 स्क्वायर मीटर से कम है,
तो ऐसे पार्ट का किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं किया जाएगा बिल में। 0.2 से जितना भी ज्यादा होता है एरिया, ऐसे पार्ट का हम डिडक्शन करते हैं अपने बिल में, जो भी हम बात करते हैं फ्लोरिंग का पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा जाता है इन विच केस एडिशनल एक्स्ट्रा क्लेम कैन बी मेड फॉर एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क फॉर हाइट। देखिए, किस केस में प्लास्टर में एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं एक्सटर्नल प्लास्टर के टाइम पर, हाइट के कंडीशन में पूछा जा रहा है यहां पे क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं, एक्स्ट्रा क्लेम मतलब 50% डिडक्शन जो करते हैं उसको एक्स्ट्रा क्लेम को बोल देते हैं। नहीं दोस्तों, यहां पर वर्ड बोल दिया हाइट। तो अकॉर्डिंग टू CPWD, अगर हम एक्सटर्नल प्लास्टर कर रहे हैं तो आपकी बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर से ज्यादा हो गई है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं इसका प्लास्टर में एक्स्ट्रा क्लेम करते हैं बिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट बार, कि रेनफोर्समेंट बार की मेजरमेंट क्या होती है। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा गलत देते हैं आंसर इसमें, मोस्टली इंजीनियर आंसर गलत देते हैं, वो कहते हैं केजी में निकालते हैं। एक्चुअल में दोस्तों पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है मोड ऑफ मेजरमेंट के बारे में, कि मोड ऑफ मेजरमेंट किस में होता है। मोड ऑफ मेजरमेंट होता है रनिंग मीटर में। आप लोगों ने देखा कटिंग लेंथ निकाली, दैट इज द वन यूनिट मीटर, लेंथ इन मीटर, तो किसमें निकला रनिंग मीटर में हम क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं। उसने कैलकुलेट नहीं पूछा, यदि आपसे कैलकुलेट पूछेगा तब आपको आंसर होना चाहिए केजी। इसलिए मोस्टली बिलिंग इंजीनियर के इंटरव्यू में मोस्टली इंजीनियर इस क्वेश्चन को गलत आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच बाइंडिंग वायर आर कंज्यूम्ड रिक्वायर्ड फॉर रेनफोर्समेंट स्टील बाइंडिंग, कि जो बाइंडिंग वायर होता है कितना लगेगा स्टील की रेनफोर्समेंट के हिसाब से, हम कितनी परसेंटेज अलाउ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग साइड पर डिफरेंटली होता है क्योंकि बहुत ज्यादा वेस्टेज भी होती है इसमें मानता हूं मैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1% लेते हैं क्वांटिटी ऑफ स्टील के, स्टील की क्वांटिटी जितनी भी होगी उससे 1% हमारा क्या लगेगा बाइंडिंग वायर कंज्यूम्ड होता है। तो चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। इसमें पूछा जाता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ फॉर हुक इन स्टीरअप रिंग। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम लोग इसमें गलतियां करते हैं कि 135 डिग्री है और यहां पर 20D 24D, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। यहां पर अकॉर्डिंग टू IS कोड 2502/1987 एक कोड है 2502/1987 में पब्लिश हुआ है। तो इस IS कोड ने क्या कहा है कि यदि आपके बैंड, आपका हुक का बैंड 135 डिग्री पर है तो आपको 24D देना पड़ेगा दोनों ही कंडीशन में, दोनों हुक के कंडीशन में, मतलब 12D, लेकिन दूसरी कंडीशन समझते हैं। यदि आपका यहां पर 90 डिग्री पे बैंड है तो आपको 20D देना पड़ेगा, मतलब 10D एक हुक का और 10D एक हुक की लेंथ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये कंडीशन आपके IS कोड 2502/1987 में दिया। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा, जब आप अपने इंटरव्यू में बैठे हो तो कोशिश कीजिए आप IS कोड को फॉलो कीजिए कि अपने, मैंने कहां से दे रहा हूं डाटा, IS कोड में लिखा है। अपने इंटरव्यूअर को बताइए, जब इंटरव्यूअर को बताते हैं IS कोड से मैं डाटा लेता हूं तो आपके बारे में जज होती है आपकी क्वालिटी, की आपकी टेक्निकल स्किल्स 100% है। हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये कंप्लीटली सिखाते हैं कि आपकी टेक्निकल स्किल 100% हो। दोस्तों जैसा कि आपने इंटरव्यू क्वेश्चंस को देखा, आप लोगों ने जाना कि किस तरह से इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पूछे जाते हैं, सेम आप लोगों के लिए मैं और भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम जानेंगे बिलिंग इंजीनियर से और कैसे इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।